एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए आज कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या अभी की क्या एनर्जीज है। ओके, करंट एनर्जीज देखेंगे आपके पार्टनर की। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जब तक मैं सफल कर रही हूँ, आपको अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज करना है, उनका नाम लेते रहना है। ओके, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या डीप इमोशंस हैं। ओके, एट ऑफ वॉन्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। बताइए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके लिए, बताइए यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके लिए। तो यहां पर है द वर्ल्ड, यहां पर है द हेरोफेंट, ओके, यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्स, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, यहां पर है किंग ऑफ कप्स, यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग की एनर्जीज, यहां पर है नाइट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, द हैंगमैन। तो मुझे यहां पर क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, आप लोग तो सोलमेट्स दिख रहे हो, देख रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना प्यार है आप दोनों के दिल में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप लोगों को आपके पार्टनर की जोटिक साइन बता देती हूँ। मुझे यहां पर दिख रहा है जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, और या फिर आपकी भी हो सकती है। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना वेट कर रहे हैं एक सही टाइम का आपका, या फिर चीजें सही होने का वेट कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जीज में यहां पर देख रही हूं। देखो, ये ना थोड़ा ऐसा दिखा सकते हैं, मतलब आपको दिखा सकते हैं बहुत ईगोस्टिक हैं, या इनको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपको कुछ ऐसी शो कर रहे हैं ये आपको, या आपको कॉल आपका इग्नोर करना, या मैसेज, या आपको ब्लॉक करना, कुछ ऐसा ये कर रहे हैं। आपको एरोगेंट दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, इस टाइप का कुछ दिखाते हुए मैं देख रही हूं आपके पार्टनर को। बट स्टिल चुपचाप से होता है ना, छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं और चाहते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। फेस मास्क के ऊपर दूसरा फेस, यानी कि दिखाना कुछ है और करना कुछ है, ऐसा चीजें मुझे दिख रही है। यानी कि बाहर से तो दिखा रहे हैं मैं बहुत ज्यादा कठोर हूं, और अंदर से लेकिन ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, कुछ ऐसा मैं देख रही हूं। बेसिकली ये किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जीज मैं देख रही हूं नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। कहीं ना कहीं मुझे यहां पर दिख रहा है कि आप लोगों का द वर्ल्ड का कार्ड है, आप दोनों का या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या आप ऑनलाइन इन्हें मिले हो, या फिर कुछ दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई है, सेपरेशन में हो आप, या फिर ये आते हैं जाते हैं, कभी आपको कांटेक्ट करते हैं, कभी फिर चले जाते हैं, फिर इनको रियलाइज होता है मैं गलत था, गलत थी, फिर आपको फोन करते हैं और फिर ये भाग जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूं यहां पर इनकी। बेसिकली आपको लेकर कहीं दूर भी जाना चाहते हैं, वर्ल्ड का कार्ड है, ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूं यहां पर बहुत ज्यादा। ना करंटली मैं देखूं तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, मेडिटेट करते हैं, और हो सकता है कि पास्ट में इतना स्पिरिचुअल नहीं थे, पूजा पाठ करते हैं, या फिर जो भी आप रिलीजन के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर ये चीजें करते हुए मैं देख रही हूं, प्रेयर करते हुए, गॉड को मानते हुए, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
कहीं ना कहीं इनके ना रास्ते बंद हो गए थे, कहीं ना कहीं ये ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये स्टक फील कर रहे थे, बट अब इनके ना रास्ते बनते जा रहे हैं, इनको पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में आ रही है, तो पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है इनकी लाइफ में आती रह रही है। और वो पॉजिटिविटी का रीजन ये है क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं ये, जिस वजह से पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में आ रही है। करियर में मुझे दिखता है कि करियर इनके स्टेबल हो रहे हैं, अगर करियर में ये परेशान थे, और कहीं ना कहीं मनी इनका, फाइनेंस इनका अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। फिर से ना ये किसी चीज को लेकर इनको या तो कुछ गुड न्यूज मिली है या आने वाले टाइम में कुछ करियर से रिलेटेड मिलने वाली है, जिस वजह से ये बहुत खुश होने वाले हैं। हो सकता है आपको इस वजह से आपको बताने के लिए कॉन्टेक्ट कर दें। तो मुझे यहाँ कप्स के कार्ड्स बहुत दिखे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं। ये क्वीन ऑफ कप का है, ये किंग ऑफ कप का है, आप दोनों सोलमेट्स हो, कहीं ना कहीं ये आपसे ना सोलमेट एनर्जीज फील करते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, एक दूसरे से दूर रहकर ना बहुत दुख मुझे दिख रहा है यहाँ पर फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आप भी इनकी तरफ जाना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप दोनों ही रीयूनियन चाहते हो और एक होना चाहते हो, आप दोनों का, आप चाहते हो हम दोनों का मिलन हो जाए, ये भी ऐसे ही सोच रहे हैं इनके। ये ना एक राजा की तरह है और आप भी एक या तो राजा की तरह हो या फिर रानी की तरह हो, मेल फीमेल जो भी ये रीडिंग देख रहा है, क्योंकि आप दोनों ही ना एक सच्चे दिल के इंसान दिखते हो, आपके अंदर भी बहुत ज्यादा प्यार इनके लिए है, केयर इनके लिए है, कहीं ना कहीं इनके दिल में भी अब आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार केयर, देखो या तो कुछ लोगों के पार्टनर के साथ मुझे दिख रहा है पहले से थी, या फिर अब इनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार केयर आपके लिए जागरूक हो रही है। ये चाहते हैं आपके साथ रियूनियन, ये चाहते हैं आपके पास आना, ये चाहते हैं चीजें सही करना, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। आप भी इनके लिए कितना तड़प रहे हो, कितना परेशान हो आप भी इनके लिए, और कहीं ना कहीं ये भी बेचैन है, ये शो तो नहीं होने दे रहे हैं। देखो इनके फेस से तो शो हो रहा है, ये आपकी एनर्जीज है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, शो नहीं होने देते हैं, आप शो होने देते हो, बस अंतर आप दोनों में इतना ही है, बाकी दिल में फीलिंग्स दोनों के लिए ही है, दोनों के अंदर मुझे फीलिंग्स दिखती है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर डिफरेंसेस दिखते हैं, एज डिफरेंस या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, मनी का डिफरेंस हो सकता है, या फिर कास्ट कल्चर, या फिर कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर या आप पेट लवर हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। बेसिकली आपको ना इनके बारे में सोचने से या इनको आपके बारे में सोचने से ना बहुत सुकून सा मिलता है, अच्छा सा लगता है, जब आप पॉजिटिविटी सोचते हो या ये आपकी तरफ पॉजिटिविटी सोचते हैं, तब नेगेटिविटी से तो हर किसी का मूड खराब होता है, बट हाँ पॉजिटिविटी सोचते हो तो दोनों ही खुश रहते हो। कहीं ना कहीं मुझे इनके फाइनेंस, जैसे मैंने बोला, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखता है कि अच्छे होने वाले हैं। अगर बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे जॉब के लिए, फाइनेंस अच्छे करने के लिए, मनी के लिए, तो इनको बहुत जल्दी कुछ गुड न्यूज मिलने वाली है, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। आपकी तरफ ना ये बढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्दी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और बहुत लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आपसे ये कॉल मैसेज कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली चांसेस मुझे दिखता है अगर आप लोग सेपरेटेड हो, सेपरेशन में हो, क्योंकि ये ना आपको एक स्ट्रांग कमिटमेंट देना चाहते हैं, अब ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत लव्ड फील कर रहे हैं, और प्रपोजल दिख रहा है मुझे देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये चीजें मुझे शो कर रही हैं कि बहुत जल्दी ये चीज होगी। अगर ये कमिटमेंट नहीं देते थे या आपसे दूर भागते थे ना, बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं और आपको चेज करेंगे, लिटरली मुझे ये एनर्जीज मिल रही है यहाँ पर से। तो मुझे दिख रहा है आपको इनका ना मैसेज कॉल आ सकता है गाइज, ऐसी भी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूँ, आपको इनका मैसेज या कॉल आ सकता है, ये एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं। ओके, तो चलिए अब इनकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि क्या इनकी फीलिंग्स है आपके लिए। कैंडल वैक्स के थ्रू मैंने यहाँ पर कैंडल जला लिया। आपको 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है और फेस विजुलाइज करना है, कैंडल में देखिए और 3 बार उनका नाम लीजिए और फेस विजुलाइज कीजिएगा। ओके, फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या
करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं इस समय, उनकी क्या सोच है, उनके मन में दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर। देखो इनके मन में तो बहुत ज्यादा प्यार आपके लिए मैं इस समय देख रही हूँ चल रहा है, प्यार करना चाहते हैं जैसे मानो आपसे, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो भी इन्होंने गलतियां की है ना उसकी माफी मांगना चाहते हैं, कुछ ऐसा भी दिखता है, सॉरी बोलना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि रियलाइज हो रहा है इनको कि मैं गलत था या गलत थी, ऐसा भी किसी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है। और जिनके पार्टनर को अभी नहीं हो रहा है ना रियलाइज, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जिनके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, और जिन लोगों के पार्टनर को नहीं भी हो रहा है रियलाइज, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी इनको रियलाइज होगा, क्योंकि आपकी तरफ ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए क्यूरियस हो रहे हैं, जानना चाहते हैं आप ठीक हो नहीं हो, अपना आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, वो सारा प्यार वो लव देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है ना इस कनेक्शन में, अब ये भी हर चीज आपके लिए करना चाहते हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि आप डिजर्व करते हो, और कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों सोलमेट्स हो, ऐसा भी इनको लगता है। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मैं इनकी तरफ से देख रही हूं, आपके लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है। के मुझे बहुत लेटर यहां पर के आर दिख रहा यहां पर, ओके, और मुझे वन नंबर दिख रहा है, 10 भी हो सकता है, 19, 28, या तो इनका डेट ऑफ बर्थ है या आपका है, ये नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दिख रहा है कि ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, ये आपकी अब रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपको हर एक वो चीजें देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो इस कनेक्शन में। अब ये लिटरली फील कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं या आना चाहती हूं, कुछ ऐसा फील करते हुए मैंने देख रही हूं। मुझे यहां पर दिख रहा है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गॉड से मांग रहे हैं, चीजें सही करवाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं ये गाइडेंस ले रहे हैं कि हम दोनों के बीच में चीजें सही हो जाएं, इसीलिए आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसा भी कुछ देख रही हूं मैं। अगर कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके बारे में कुछ बोल रहा है ना, लिटरली ये उसको सुना दे रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपको ना इनसे बहुत जल्दी कुछ ऑफर मिल सकता है, जैसे मैंने कहा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर कहीं बाहर भी जा सकते हैं ये, कुछ एक सॉलिड ऑफर देंगे ये आपको, एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे ये आपको, कुछ तो प्रपोजल रखेंगे आपके सामने, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद अब चीजें बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, अब चीजें सही नहीं हो पाएंगी, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं, बट स्टिल ये ना ट्राई करना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं लास्ट टाइम तक ट्राई करूंगा या करूंगी, मैं उसको नहीं खो सकता या नहीं खो सकती, कुछ ऐसा मैं देख रही हूं। बहुत ईगो था, बहुत ज्यादा, देखो ये दिखते बहुत सीधे साधे होंगे बट फेस से, बट मुझे यहां पर दिख रहा है कि बहुत ईगो था इनके अंदर, बहुत जिद्दी हो सकते हैं या फिर स्टबन वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, बट स्टिल अब ना इनका जिद, इनका स्टबन ये सब उतरने वाला है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके बिना ना ये रह नहीं पा रहे और रहने की सोच भी नहीं सकते, भले ही कुछ भी बोल रहे मुंह से कि मुझे फर्क नहीं पड़ता या मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करता या नहीं करती, बट स्टिल मुझे यहां पर दिख रहा है इनको फर्क तो बहुत पड़ता है, को फर्क बहुत पड़ता है, इसीलिए ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए ये अब आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं, एक ऑफर देने का सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी देने का सोच रहे हैं, ऐसा मैं कुछ देख रही हूं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं या फिर बटरफ्लाईज या कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिविटी यूनिवर्स की तरफ से भी दिख रही है, क्योंकि बहुत टाइम से आप सेपरेटेड हो और आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो या गॉड से मांग रहे हो या कुछ प्रे करते हो इनके लिए कि आपकी लाइफ में वापस आ जाए। अगर आप ये सब कर रहे हो ना तो मुझे दिख रहा है कि यस, ये बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएंगे। ओके, मुझे यहाँ पर 8, 21, 3, 5 और 9 कुछ इम्पोर्टेंट दिखता है आप लोगों के लिए, मूलांक हो सकता है आपका या इनका भाग्यांक हो सकता है। कहीं ना इनकी जो सिचुएशन स्टक हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पर था द हैंगमैन का कार्ड,
ट्वेल्थ नंबर या 13 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओके तो ये ना अब अपनी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे बढ़ूं. देखो फोन कैसे होता है, हैंग हो जाता है ना, तो ये हैंगमैन की एनर्जीज मुझे यही दिखा रही हैं. ये हैंग हो गए लिटरली, मतलब इनके इमोशंस हैंग हो गए हैं ना, ये जैसे फोन हो जाते हैं हैंग ना, हम उसे चला पाते हैं, मतलब ना उसका हम यूज कर पाते हैं, ना वो प्रॉपर बंद होता है ना खुलता है. कुछ ऐसी सिचुएशन मैं देख रही हूँ, इनकी हैंग हो गए हैं बेसिकली. अब इन चीजों को ना ये ठीक करना चाहते हैं, अपनी इस सिचुएशन को, जो हैंग वाली सिचुएशन है ना उसको ठीक करना चाहते हैं, कुछ ऐसा मैं देख रही हूं यहां पर. क्योंकि अब इनका आपके बिना रहना बहुत मुश्किल हो गया है, अब ये आपके साथ सक्सेस चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, ऐसा कुछ मुझे दिखता है. यस गाइस, बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी फॉर श्योर सुनने को मिलेगी, या फिर आपको पता चलेंगे इनके करियर अच्छे हो गए हैं या कुछ, तो फिर मुझे दिखता है कि ये आपको कॉन्टेक्ट करने वाले हैं. मैसेज आ सकता है, मैसेज की मुझे बहुत ज्यादा एनर्जीज यहां पर दिख रही है, मैसेज आ सकता है कुछ. गाइस ये थी आज आप लोगों की रीडिंग. रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को. ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस.